गॉड्स ट्रू लाइट, परमेश्वर की सच्ची ज्योति। हमारे इस प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन मनुष्यों से बातें करते हैं और उसका वचन अनंत जीवन का सोता है। हमारी प्रार्थना है कि आज का ये संदेश आपके दिल को आनंद और प्राण को तसल्ली दे। अब भाई जी एलिशा राव आपको पवित्र बाइबल से एक और नया सत्य बताएंगे। Greetings to you in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आप सभी को अभिवादन। We are continuing with our Bible study of the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब का हमारा जो बाइबल अध्ययन है उसमें आगे देख रहे हैं। Today we are going to study Revelation 1 verses 17 and 18. और आज हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18 का अध्ययन करने वाले हैं। Before we study and meditate upon these verses, let's have a short prayer. और इन वचनों पर अध्ययन करने के पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, how grateful we are to you for the privilege that you have given us to study your word. प्रभु तूने हमें अपने वचन का अध्ययन करने का जो सौभाग्य दिया है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। It's a great joy to study your word. और प्रभु तेरे वचन का अध्ययन करना ये तो हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। We have limited minds, limited understanding. हमारे पास में सीमित मन है और सीमित समझ है। With our own knowledge and wisdom, we cannot understand your word. और प्रभु अपने बुद्धि और अपने ज्ञान से प्रभु तेरे वचन को नहीं समझ सकते हैं। So at this time we seek the help of your Holy Spirit. और इस समय हम तेरी पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं। We pray that your spirit will help us to understand your word and apply it to our lives. हमारी प्रार्थना है कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम तेरे वचनों को समझ सकें और इसे अपने जीवन में उपयोग कर सकें। In Jesus name. यीशु के नाम में। Revelation 1:17 and 18. प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 17 और 18। And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, Do not be afraid. I am the first and the last. Verse 18. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Hades and of death. वचन 17 और 18 कहता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग तक जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। दिस एक्सप्रेशन द फर्स्ट एंड द लास्ट वॉज यूज बाय प्रॉफिट आइज़ाया इन हिज बुक at least 3 times. और ये मैं पहला, मैं प्रथम और अंतिम हूँ, ये जो वाक्य है ये तो यशया की किताब में यशया ने 3 बार तो भी इसका उपयोग किया है। The same as it is in Revelation. जैसे यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है। Isaiah 41:4. यशया अध्याय 41 वचन 4 में हम देखते हैं, I am the Lord, the first and with the last I am he. मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। Isaiah 44:6. यशया अध्याय 44 वचन 6. I am the first and the last, and beside me there is no God. मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। Isaiah 48:12. यशया अध्याय 48 वचन 12. I am he, I am the first. I also am the last. मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। What is the significance of this term, the first and the last? अब ये पहला और जो अंतिम हूँ, इस वाक्य का मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है? It was clearly used in the Old Testament to express that God wants to encourage and comfort the children of Israel. और ये तो पुराने नियम में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया गया कि परमेश्वर जो है वो तो इसराइली लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शब्द का उपयोग करता है। God told Israel through prophet Isaiah that Babylon would become a threat to Israel. यशा की भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल को बताया कि बेबीलोन जो है वो तो इसराइल के लिए हमेशा दहशत बना रहेगा।
In Isaiah 39:1-2, when Babylonians visited Jerusalem to inquire of Hezekiah's healing, और जब यशया अध्याय 39 वचन 1 और 2 में हम देखते हैं कि बेबीलोन की तरफ से कुछ लोग राजा हिजकिया के चंगाई के बारे में उसके पास चर्चा सुनने के लिए आए थे, हिजकिया रिवील्ड एवरीथिंग ही पोसेस्ड टू बेबीलोनियंस। तो हिजकिया ने जो कुछ उसके पास था उसके बारे में सब कुछ बेबीलोन के लोगों को बता दिया था। इन आइज़ाया 39:3-7, यशया अध्याय 39 वचन 3 से 7 में हम देखते हैं, प्रॉफिट आइज़ाया warned Hezekiah and Israel that Babylonians would return and invade Jerusalem and would take everything away. और यशा भविष्यवक्ता ने यहाँ पर हिजकिया को और साथ साथ में इसराइल को ये भी चेतावनी दी कि बेबीलोन के जो लोग हैं वो तो वापस आएंगे और वो उसके और से सारी संपत्ति, धन संपत्ति और सारे प्रांत को छीन लेंगे। Hezekiah had already experienced a terrible invasion from Assyrians. और हिजकिया के ऊपर पहले से अश्रूर के लोगों ने पहले से हमला किया था। But when Hezekiah prayed and sought God's help, लेकिन जब हिजकिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर से मदद मांगी, he was miraculously delivered. तो बड़ी चमत्कारी रीति से उसने छुटकारा पाया। In Isaiah chapters 36-37, यशया अध्याय 36 और अध्याय 27 में, and in chapters 42-45. अध्याय 36-37 और वचन और अध्याय 42 से लेकर 45 तक, प्रॉफिट आइज़ाया रिवील्ड दैट बेबीलोनियंस वुड टेम्पररली कॉन्कर, फाइनली गॉड्स पीपल वुड ओवरथ्रो बेबीलोनियंस। यहाँ पर यशया ने स्पष्ट कर दिया कि शुरू में हालांकि जो बेबीलोन के लोग हैं वो तो उन पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अंत में परमेश्वर ही है जो इसराइल के ऊपर से बेबीलोन को पूरी तरह से नीचे गिरा देगा। इन द मिडस्ट ऑफ दिस मैसेज ऑफ डिलीवरेंस, यहाँ पर इस छुटकारे के संदेश के बीच में, गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ एज द फर्स्ट एंड द लास्ट। परमेश्वर ने अपने आप को पहला और अंतिम इस तरह से प्रकट किया। इट मीन्स in the great conflict between Jerusalem and Babylon, इसका मतलब ये है कि ये बड़ा मतभेद था जो कि यरूशलेम और बेबीलोन के बीच में था, between good and evil, यानी भलाई और बुराई के बीच में था, between Satan and God, शैतान और परमेश्वर के बीच में था, God would be first in the battlefield, परमेश्वर युद्ध भूमि में सबसे पहले रहेगा, and also God would be last in the battlefield. और साथ ही परमेश्वर युद्ध भूमि में सबसे अंत में रहेगा। In other words, God will be completely victorious. दूसरे शब्दों में परमेश्वर पूरी तरह से विजयी हो जाएगा। Over the enemies of God's people, that God would utterly destroy the enemies. परमेश्वर के सारे शत्रुओं के ऊपर में जहाँ पर जो परमेश्वर है वो तो शत्रुओं को पूरी तरह से नाश कर देगा। So this term, the first and the last, means that God is all powerful, he is omnipotent, and there are no limitations to him, there are no impossibilities to him, and he is always victorious. और यहाँ पर ये जो कहता है ये वाक्य कि वो पहला और अंतिम है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमेशा सर्व सामर्थी है, उसकी कोई सीमा नहीं है और वो तो हमेशा विजयी होता है। The same message is brought into the book of Revelation. और यही संदेश जो है वो तो प्रकाशित वाक्य की किताब में लाया गया है। The great spiritual battle between good and evil, between God and Satan, is the theme of the book of Revelation. और परमेश्वर और शैतान के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं कि भलाई और बुराई के बीच में जो युद्ध हुआ है, यही तो प्रकाशित वाक्य की किताब का मुख्य शीर्षक है। The great conflict between God's people and the enemies. परमेश्वर के लोग और शत्रु के लोगों के बीच में जो बड़ा मतभेद है उसके बारे में बताया गया है। God stands on the side of God's people. परमेश्वर अपने लोगों की ओर से खड़ा रहता है। And Satan stands on the side of the enemies of God's people. और शैतान जो है वो तो परमेश्वर के शत्रु के विरुद्ध में डट कर खड़े रहता है। So this we see at every step in the book of Revelation. शैतान जो है वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में डटकर खड़े रहता है और प्रकाशित वाक्य की किताब में हर कदम में हम इसे देखते हैं। So when we study the book of Revelation, जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन करते हैं, we have to understand the message of Revelation in context of this great theme of the great conflict or the great controversy between
God and Satan. तो हमें इस विषय को समझना होगा, इस शीर्षक को समझना होगा, और ये तो निश्चय परमेश्वर शैतान के बीच के इस बड़े युद्ध के बारे में हमें बता रहा है। So in the introduction of this book of Revelation, this title of the Lord Jesus Christ as the first and the last is the most fitting and powerfully appropriate symbolic title. और इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह का ये जो शीर्षक है कि मैं पहला हूँ और मैं ही अंतिम रहूँगा, ये जो है यीशु मसीह के शीर्षक के लिए बिल्कुल सही तरह से जचने वाली ऐसी बात है। The Lord Jesus declares himself as a victor over Satan and the enemies of God's people. परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर परमेश्वर के जो शत्रु है, परमेश्वर के जो लोग हैं उसके विरुद्ध में, जो उसके शत्रु हैं उनके विरुद्ध के जो शत्रु हैं उनके ऊपर परमेश्वर की विजय को घोषित करता है। ऑन बिहाफ ऑफ गॉड्स पीपल The Lord Jesus Christ is first in the battlefield. और परमेश्वर के लोगों की ओर से प्रभु यीशु मसीह युद्ध भूमि में सबसे पहला होगा। He is fully prepared. वो तो पूरी तरह से तैयार है। He is never taken by surprise. और कभी किसी तरह से वो चौंक नहीं जाता है। Every provision has been made for the victory of God's people. परमेश्वर के लोगों की विजय के लिए हर एक प्रयोजन कर दिया गया है। And the Lord Jesus Christ is the last. On the battlefield. और प्रभु यीशु मसीह इस युद्ध भूमि में सबसे अंतिम है। Meaning that the enemies of God's people are either chased away or destroyed. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के लोगों के जो शत्रु है, एक तो उन्हें भगा दिया गया है या फिर उन्हें नाश कर दिया गया है। Jesus always stands in the battlefield as a great victor. यीशु मसीह हमेशा रणभूमि में एक महान विजयी और जयवंत व्यक्ति के रूप में खड़े रहता है। He is and will be always victorious. और वो तो विजयी है और वो हमेशा विजयी रहेगा। And his people, the saints, will always triumph. और उसके जो लोग हैं, जो कि संत लोग हैं, वो तो हमेशा विजयी हो जाएंगे। The powers of Satan and evil will be oppressed and destroyed. और शत्रु की जो सामर्थ्य है और जो बुराई की जो ताकत है वो तो नाश कर दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। So praise God that Jesus appears to us as the first and the last. और इसलिए परमेश्वर की स्तुति हो कि यीशु हमारे सामने सबसे पहला और सबसे अंतिम के रूप में प्रकट होता है। Now let's see verse 18. और आइए अभी हम यहाँ पर वचन 18 देखते हैं। I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. I have the keys of Hades and death. ये कहता है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। When Jesus died on the cross of Calvary for the remission of sins of mankind, जब यीशु मसीह मनुष्य जाति के पापों से छुटकारे के लिए कलवरी के क्रूस पर मरा, His divinity did not die because God can never die. तो उसका ईश्वरत्व मरा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर कभी मर नहीं सकता है। It was his humanity that died. ये तो उसकी मानवता थी जो वहां पर मर गई थी। On the resurrection morning, when the mighty angel came down from heaven, और जब पुनरुत्थान की सुबह के समय वो सामर्थी स्वर्गदूत स्वर्ग से आया, he flashed like a lightning. वो तो एक ज्योति के जैसे चमक रहा था। He touched and rolled away the stone and sat on it. उसने उस पत्थर को छू लिया और उसे लुढ़का दिया और वो उस पर बैठ गया। At that moment, the divinity of Christ sprang into action. और उस समय प्रभु यीशु मसीह की जो ईश्वरत्व था, प्रभु यीशु का ईश्वरत्व था, वो वहां पर सक्रिय हो गया। And brought back humanity from death. और उसने मानवता को मृत्यु में से वापस लाया। What a display of divine power. और ये तो अलौकिक सामर्थ्य का कितना महान प्रकटीकरण था। In John 10, 17 and 18, Jesus said, योहन्ना अध्याय 10 वचन 17 और 18 में प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, I lay down my life that I may take it up again. और ये कहता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। I have power to lay it down and I have power to take it again. मुझे उसे देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। It tells about the omnipotence of the Lord Jesus Christ. और ये तो प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान होने के बारे में हमें बताता है। He has power to lay down his life and power to take it
अगेन और उसके पास में सामर्थ्य है कि वो अपने जीवन को दे दे और उसके पास में सामर्थ्य है कि उसे वापस ले ले. He is self-existent God. वो तो स्वयं अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है. Just like God the Father and God the Holy Spirit. जैसे पिता परमेश्वर है और जैसे पवित्र आत्मा है वैसे ही. When Christ died and was buried in the grave. और जब यीशु मसीह मरा और उसे कब्र में दफनाया गया. He entered the stronghold of Satan. That's grave. और तो वो शैतान के पूरे दृढ़गढ़ में गया, उसकी कब्र में गया. And captured his power of death, the keys of death. और उसने उसकी मृत्यु की सामर्थ्य यानी जो मृत्यु की कुंजी थी उसे ले लिया. And Jesus grasped the keys of hell and Hades. और यीशु ने अधलोक और मृत्यु की ताकत को ले लिया, चाबी को ले लिया. Which means of grave and death. इसका मतलब यह है कि कब्र और मृत्यु की सामर्थ्य को, उसकी चाबी को उसने ले लिया. And thus he forever broke the power of death. और इस तरह से उसने हमेशा के लिए ये जो पाप की जो सामर्थ्य उसे, मृत्यु की जो सामर्थ्य उसे तोड़ दिया. What a fitting and powerful introduction of savior of mankind. और ये तो सच में मनुष्य जाति का जो उद्धारक है उसके बारे में कितना सामर्थ्य ऐसा परिचय है. In the opening chapter of Revelation. प्रकाशित वाक्य की किताब के बिल्कुल पहले अध्याय में ही. In the life and death struggles of Christ believers. प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी है वो जीवन और मृत्यु उसके जैसे कश्मकश में पड़े होते हैं. They look to their savior and leader with confidence and courage. वो तो बड़े हियाव और बड़े भरोसे के साथ में, साहस के साथ में अपने उद्धारक की ओर देखते हैं. That he is a victor over death and grave. कि वो तो मृत्यु और कब्र के ऊपर में विजयी है. That he is the one who broke the power of evil and sin and Satan. कि वही है जिसने बुराई, पाप और शैतान की सामर्थ को तोड़ दिया है. What a comfort it gives to millions of martyrs that laid down their lives. For the Lord. और ये तो सच में जो लाखों ऐसे शहीद हैं जिन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान दे दी है, उन्हें ये कितनी बड़ी तसल्ली देता है. And these people loved their Lord with all their heart, with all their soul, with all their mind, and sacrificed themselves for Him. और ये तो ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने पूरे आत्मा, प्राण और शरीर से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखा और उन्होंने खुद को प्रभु यीशु मसीह के लिए. So the great hope that God of Bible offers every human being on this earth is life after death, resurrection. और इसीलिए परमेश्वर की जो सामर्थ्य जो इस पृथ्वी पर के हर एक मनुष्य को जो सबसे बड़ी भेंट दे सकती है, you can have resurrection only through the Lord Jesus Christ. वो तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य और आप केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान पा सकते हैं. He is the one who had victory over sin and death. And grave. और उसी ने तो पाप और मृत्यु और कब्र के ऊपर में विजय पाई है. By having faith in him, we can have the hope of coming out of grave and coming out of death. और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम निश्चय कब्र से बाहर आने की आशा रख सकते हैं और मृत्यु से बाहर आने की आशा रख सकते हैं. So when in the Bible, John 11th chapter. और इसीलिए जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना अध्याय 11 में, व्हेन लाजरस डाइड, जब लाजर मर गया था, जीसस वाज नॉट इन दैट प्लेस एट दैट टाइम. यीशु वहां पर उस समय उस जगह पर तो नहीं था. ही वाज इन सम अदर प्लेस. वो तो किसी और जगह पर था. एंड ही केम टू नो दैट लाजरस डाइड. और उसे ये पता चला कि लाजर तो मर चुका है. सो ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स. तो उसने अपने चेलों से कहा, आवर फ्रेंड लाजरस इज स्लीपिंग, लेट अस गो एंड वेक हिम अप. कि हमारा मित्र जो लाजर है वो तो सो रहा है, चलो जाकर हम उसे जगाते हैं. सो फॉर जीसस डेथ इज स्लीप. और इसलिए यीशु के लिए हम कह सकते हैं कि जो मृत्यु है वो तो केवल एक नींद है. इन द बाइबल death is always portrayed as sleep. बाइबल में मृत्यु जो है उसे हमेशा एक नींद के जैसे या सोने के जैसे बताया गया है. So when Jairus' daughter was dead, यानी हम देख सकते हैं जबकि याइर की बेटी मर चुकी थी, people were crying. लोग रो रहे थे. At that time, Jesus came to that place. और उस समय यीशु उस जगह पर आता है.
And he said, और उसने कहा, Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? This girl is not dead, but she is sleeping. ये लड़की मरी नहीं है, लेकिन ये सो रही है. So he held her hand and said, daughter, get up. और उसने उसका हाथ थामा और उसे कहा कि हे बेटी उठ जा. And she got up as if from sleep. और वो मानो नींद में से जाग गई. And Lazarus, he was dead about 4 days back. और लाजर जो है वो तो लगभग 4 दिन पहले ही मर चुका था. So Jesus went to the grave of Lazarus and said. और यीशु लाजर की कब्र के पास में जाता है और वो ये कहता है, Lazarus, come out. और उसने कहा कि हे लाजर बाहर आ. And Lazarus came out. और लाजर बाहर निकल आया. So when people die. और इसलिए जब लोग मरते हैं. According to the Bible. बाइबल के अनुसार Ecclesiastes 9:5 सभोपदेशक अध्याय 9 वचन 5 ये कहता है, The living know that they die, but the dead know not anything. जो जीवित है वो ये जानते हैं कि वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो मुर्दा है या जो मर गए हैं वो ये नहीं वो कुछ भी नहीं जानते हैं. And they die and are buried in the grave. वो मर और उसके बाद में फिर वो मर जाते हैं, उसके बाद में उन्हें कब्र में दफना दिया जाता है. And they remain in the grave till the second coming of the Lord Jesus Christ. और वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक वैसे ही वहां पर कब्र में बने रहेंगे. At the second coming of the Lord Jesus Christ, the dead people will come out of the grave. और इसीलिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय जो मरे हुए लोग हैं वो कब्र में से वापस आएंगे. So just like when the Lord said, Lazarus come out. और बिल्कुल उसी तरह से जब प्रभु ने कहा कि लाजर बाहर आ. एंड लाजरस केम आउट. और लाजर बाहर आया. एंड जेयरस डॉटर गेट अप एंड शी गॉट अप एज इफ आउट ऑफ स्लीप. और जैसे याईर की बेटी से उसने कहा कि बेटी उठ, और वो ऐसे उठी जैसे कि मानो वो नींद में से जागी है. पीपल हु बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. एंड डाई. और मर जाते हैं. एंड और बरीड इन द ग्रेव. और जो कब्र में दफनाए जाते हैं. एंड when Jesus comes in the second time. और जब यीशु दूसरी बार आता है. He will call the dead out of the graves. तो वो मुर्दों को कब्र में से बाहर बुलाएगा. And people who died in hope of the Lord Jesus Christ. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर आशा करते हुए मरे हैं. Got all their sins forgiven. उनके सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं. And they were cleansed by his blood. और वो तो उसके लहू के द्वारा धोए गए हैं. Accepted him as a savior. उन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है. They sleep in the Lord. और वो तो प्रभु में सो गए हैं. And when he comes in the second time. और जब वो दूसरी बार आएगा. There would be a great resurrection of the righteous. तो फिर निश्चय धर्मी जन का एक महान वहां पर पुनरुत्थान होगा. And people who died in faith of the Lord Jesus Christ would come out of the graves. और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए मरे वो अपने कब्र से बाहर आएंगे. This is the greatest truth that the Bible reveals. और ये तो ऐसी महान सच्चाई है जिसके बारे में बाइबल प्रकट करती है. Only Jesus has power over death and Hades. केवल यीशु के पास में ही मृत्यु और अधोलोक के ऊपर में सामर्थ्य है. He has the keys. उसके पास में चाबी है. He is the resurrection and life. वही तो पुनरुत्थान और जीवन है. And those who believe in him will come out of the grave when he comes in the second time. और वो जो उस पर विश्वास करते हैं, जब वो दूसरी बार आएगा, प्रभु यीशु दूसरी बार आएगा, तब यही तो कब्र में से, यही लोग कब्र में से बाहर आएंगे. So we don't have to fear anything in this world. और इसीलिए हमें संसार में किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है. While living, he is first and the last. In your life, और इस जीवन में जीते हुए आपके जीवन में वही तो सबसे पहला और वही सबसे अंतिम है. He is a great victor who gives you victory over everything. और वही तो वो महान विजयी है, जयवंत है, जो आपको सारी बातों पर विजयी बनाता है. Especially over sin. और खास करके पाप के ऊपर में. And when you die, he gives you victory over death. और जब आप मर जाते हैं तो वो निश्चय आपको मृत्यु के ऊपर विजय देता है. And you can come out of the grave. और आप कब्र में से बाहर आ सकते हैं. And be with the Lord forever. और आप सदा के लिए प्रभु के साथ में रह सकते हैं. This is the greatest hope that people who believe in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के पास में यही तो सबसे बड़ी आशा होती है. And there is no other greater gift
than that. और इससे बढ़कर और कोई दूसरा महान वरदान नहीं है. Whenever death comes, no matter. और चाहे मृत्यु कभी भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It matters nothing. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. When death comes. कि कब मृत्यु आ जाती है. But when the Lord comes. लेकिन जब प्रभु आएगा. You are going to come out of the grave. तो आप निश्चय कब्र में से बाहर आ जाएंगे. And you are going to go along with Him into heaven. और आप उसके साथ में स्वर्ग में चले जाएंगे. And be with Him forever and ever. और आप सदा सदा के लिए उसके साथ में होंगे. May we have that great blessing. और हमारे पास में यही महान आशीष होने पाए. May we comfort one another with this great hope. और इस महान आशा के द्वारा हम एक दूसरे को तसल्ली देने वाले हो जाएं. Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं. Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, Thank the Lord for speaking to us this morning. आज सुबह हमसे बातें किस लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु. Thank thee for the great hope we have in the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास में जो महान आशा है उसके लिए धन्यवाद देते हैं. When we live, we are faced with so many problems and temptations and trials. जब हम जीवित हैं तो हम बहुत सी समस्याएं, परीक्षाएं और परखे जाने का सामना करती हैं. We don't have to fear about anything. हमें किसी भी बात के बारे में डरने की जरूरत नहीं है. Because Jesus is first and the last. क्योंकि यीशु ही पहला है, प्रथम है और अंतिम है. He is omnipotent God. वही तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. When we pray to Him, He gives us victory. और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमें विजय देता है. And delivers us from any problem. और किसी भी समस्या से हमें छुटकारा देता है. Any temptation. किसी भी परीक्षा से हमें छुड़ाता है. और any trial or problem of this life. और इस जीवन की किसी भी परीक्षा या परखे जाने से हमें छुड़ाता है. And when death comes. और जब मृत्यु आती है. We don't have to fear about death. तो हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है. Our Lord has the keys of death. हमारे प्रभु के पास में मृत्यु की चाबियां हैं. When he calls us, we can come out of the grave. और जब वो हमें पुकारता है तो निश्चय हम कब्र में से बाहर आ सकते हैं. And have the hope of being with him forever. और हमारे पास में आशा होगी कि हम हमेशा हमेशा उसके साथ में रहेंगे. This is a great hope that your word offers to us. और प्रभु तेरा वचन यही तो महान आशा हमें देता है. The salvation of the Lord Jesus Christ gives to this world. और ये तो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार है जो संसार को हमें देता है. May people be blessed by accepting this great hope of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की ओर से आने वाली इस महान आशा को स्वीकार करके लोग आशीष पाएं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Dear friends. प्यारे दोस्तों. We are having a Bible study on the book of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर बाइबल का अध्ययन करते जा रहे हैं. Please pray for this Bible study. आप इस बाइबल स्टडी के लिए प्रार्थना कीजिए. That in these last days. क्योंकि इन अंतिम दिनों में. People will have most important knowledge that Christ wants them to know. और लोगों के पास में इतना महत्वपूर्ण संदेश होगा जो मसीह यीशु चाहता है कि लोग जान लें. That they may be prepared for his kingdom. कि वो उसके राज्य के लिए तैयार हो जाएं. Please pray for this. आप कृपया करके इसके लिए प्रार्थना कीजिए. And please try to support this program. और इस प्रोग्राम को आप सपोर्ट करने की सहायता कीजिए. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. God's True Light, परमेश्वर की सच्ची ज्योति. ये आत्मिक प्रोग्राम आप इस चैनल पर हर गुरुवार सुबह 6:30 से 7 बजे तक देख सकते हैं. आपके संदेह, सलाह और सूचना के बारे में हमें बताइए. हम आपके लिए प्रार्थना करके आपको प्रत्युत्तर देंगे. हमसे संपर्क करने के लिए हमारा पता है गॉड्स ट्रू लाइट, होप सेंटर, कारूमंची रोड, वल्लूरू पोस्ट, पिन कोड 523272, ओंगोल, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश. सेल नंबर 07093131171. Our address: God's True Light, Hope Center, Karumanchi Road, Valluru Post. Pin number 523272. Ongol, Prakasham District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093131171.